मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि भोक्ता परब क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जी? इसमें आप किस देवता की या देवी की देवता की पूजा करते हैं? ओला बाबा, कल हमारा पता चल गया, जाके देखिए पानी में उसका छपा हुआ है। हाँ। दूसरी बात, हम लोग जब कांटा छेदवाते तो मंदिर नहीं घुसते, एको भोक्ता हमारा मंदिर नहीं घुसेगा आपके। यह भारत में किस किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जितना हिंदू क्षेत्र है, जहाँ महतो क्षेत्र है, उसी जगह मनाया जाता है। कि सबसे ज्यादा भोक्ता यही आपका रामपालपुर में होता है? रामपालपुर भोक्ता वाला बहुत अच्छा है सबसे, इस झारखंड में टपा सबसे। हर महादेव के दुआ से इतना किल उगा लेते हैं, बस कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ दुआ है महादेव का। बोलो बोलो महादेव के, बोलो पार्वती माई के, दया करो दया मही है। तो दोस्तों, इस बार मैं आ गया थोड़ा रिपोर्टिंग वाला मोड में, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर मोड ऑन विशाल महतो का। हाँ तो भाई, सबसे पहला सवाल, मतलब मैं तो हमेशा यहाँ आते रहता हूँ भोक्ता मेला, हर साल आता हूँ, देख के जाता हूँ, पर अभी मैं बड़ा हो गया तो मेरे दिमाग में ये चीज़ सवाल हो गया कि ये सवाल हो गया कि भोक्ता पर अभी ये लोग करते हैं और पूरा बॉडी में छिदवाते हैं कांटा, उसके बाद कांटा छिदवाने के बाद वो जो दिख रहा है, उधर दिखाओ वो जो, हाँ बस रे वो जो दिख रहा आपको, उसमें लटक के घूमते हैं। और काफ़ी ऐसे भोक्ता है जो असमर्थ है, जो सह नहीं पाते, वो बेहोश भी हो जाते हैं यार, मतलब इतना कष्ट वाला पर्व करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ये लोग इतना कष्ट वाला पर्व करते ही क्यों है? दूसरा कुछ पर्व भी है तो, जैसे कि शिवरात्रि, जो इतना हार्ड नहीं होता, बड़ी आसान होता है, उसको करने में और इसको करने में क्या अंतर है? और इसमें किस देवी देवता को पूजा जाता है, मेरे को ये चीज़ नहीं पता है। तो चलो मेरे साथ बने रहो, हम काफ़ी ऐसे भोक्ता है जिनको पूछेंगे कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। तो बने रहो यार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमेशा। तो चलिए फिर हम पूछते हैं सभी भोक्ताओं से, बने रहो यार तुम। हाँ तो साथियों, हाँ तो दोस्तों, अभी हम हैं रामपालपुर के मेला क्षेत्र में, जहाँ पे होता है भोक्ता मेला। तो यहाँ भी काफ़ी ऐसे भोक्ते हैं जो विश्राम कर रहे हैं, मतलब काटा जीवा पानी यहाँ पे हो गया और विश्राम कर रहे हैं। तो हम थोड़ा कष्ट देंगे उनको और इनसे कुछ तड़कते भड़कते सवाल करेंगे, तो बने रहो यार, चलिए आइयो। तो इधर देख बैठे हुए हैं, तो सर थोड़ा सुनिएगा, इधर सुनिए सुनिए, आइए 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 आइए, तरफ भेजिए। हाँ हाँ, तो सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। अच्छा बोलिए। हाँ, ऐसे तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन इस बार मैं सोचा कि सुनिए, बचपन से मैं भोक्ता परब देखने आ रहा हूँ, मतलब करता नहीं हूँ अलग बात है, लेकिन देखने आ रहा हूँ। तो अभी हम बड़े हो गए हैं तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि भोक्ता परब क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जी? हम लोग को श्रद्धा है, मनोकामना पूरा होता है, इसलिए करते हैं। तो श्रद्धा तो दूसरे देवी देवताओं में भी किया जाता है, आप शिवरात्रि कर सकते हैं, नवरात्रि कर सकते हैं, उसमें श्रद्धा वाली बात नहीं है क्या? हमारा इसमें जितना विश्वास है, दूसरे में विश्वास नहीं है। अच्छा, इसमें आपका विश्वास है पूरे। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें आप किस देवता की या देवी की देवता की पूजा करते हैं? स्वयं भोले बाबा को, और क्या, बाबा को बाबा तो होता है, बाबा से बाबा। तो सर, जहाँ तक हमको पता है कि भोले बाबा को ये सब खून वून देखना पसंद नहीं है। हाँ। तो आप लोग जो ये सब छिदवाते हैं, यहाँ छेदा लेते हैं, जैसे इनको देखिए, इनके पूरे बॉडी पे छेदा है, इधर आइए कैमरा। हाँ तो बोलिए, आप ऐसा क्यों करते हैं, खून वून क्यों करते हैं? भोला बाबा, कल हमारा पता चल गया, जाके देखिए पानी पे उसका छपा हुआ है। दूसरी बात, हम लोग जब कांटा छेदवाते तो मंदिर नहीं घुसते, एको भक्त हमारा मंदिर नहीं घुसेगा आपके। जब आप कांटा छिदवाते हैं और भोला बाबा के पास जाते ही नहीं है, जब भोला बाबा आपको देखते नहीं कि आप कांटा छिदवाए हैं, तो आप लोग कांटा छिदवाते क्यों हैं? तो भोले बाबा की छेदाने का वाला उसका आदेश नहीं, हुआ त्यौहार करने का आदेश, लो हम लोग शौक से लेते हैं। हाँ तो शौक से, आप जब भोला बाबा को पसंद नहीं, खून खराबा, तो आप लोग क्यों छिदवाते हैं? हम लोग शौक से, हमारा इच्छा है, हम लोग घूमने के, यहां उनका। अगर आप लोग का शौक है छिदवाने का, तो इस त्यौहार में ही क्यों छिदवाते हैं? दूसरा कुछ, शिवरात्रि है, हम लोग को मौका मिलता ही नहीं, इस तरह शिवरात्रि में हम लोग खूंटा नहीं गड़ाया जाता है, शिवरात में खूंटा नहीं गड़ाया जाता है, इतना आदमी इकट्ठा नहीं होते है। आज हम लोग इतना आदमी इकट्ठे हुए, जुट हुए, मन सब हुआ, इसीलिए हम लोग आज छिदवाते हैं। तो मान लेते हैं शिवरात्रि में खूंटा नहीं गड़वाता है, लेकिन शिवरात्रि में आप जीवाबन तो ले सकते हैं ना? जीवाबन में तो आपको घूमने का दरकार नहीं, जीवाबन लीजिए और नाचते रहिए। कल हमको शादी यार, पहले ही कहिए मारवा भात दे दीजिए तो रहेगा हमको, हम लोग उतना बाबा बाप दादा से मान के चलता है कि हम लोग उसी दिन त्यौहार मनाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो आप थोड़ा गर्म हो गए हैं, तो आपका दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं। तो एक चीज बताइए, ये जो पर्व है, जो भोक्ता पर्व जिसे चड़क पर्व भी कहते हैं,
यह भारत में किस किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जितना हिंदू क्षेत्र है, जहाँ महतो क्षेत्र है, उसी जगह मनाया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ कुर्मी समाज महतो क्षेत्र, तो काफी ऐसे लोग हैं जो महतो नहीं है, फिर भी ये पर्व करते हैं। हाँ, तो उनमें उसे उसका प्रतिवरण आ चुका है कि हम लोग इसमें फायदा चाहते हैं कि वो लोग करता है, देखा सिखा में हो गया है। देखा सिखा में हो गया है, तो सुनिए, खत्म नहीं हुआ जी, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, और एक चीज पूछना था कि ये जो पर्व है किस किस, जहाँ तक मैंने सुना है ये झारखंड बिहार में तो नहीं होता है, झारखंड बंगाल असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में मनाया जाता है, और दूसरे राज्य में क्यों नहीं मनाया जाता? वो तो हमको नहीं पता है, जो हम लोग झारखंड में है, झारखंड में वही हमको पता है, उड़ीसा वगैरह जो आप बोले बंगाल में, वो तो हम नहीं मोबाइल के जरिए देखे हैं, लेकिन हमको नहीं पता, सामने नहीं गए हैं, इसलिए बात यही है। हाँ, तो एक चीज मेरे को जानकारी जैसे यहाँ मिला कि पूरे धनबाद में जहाँ पे भी भोक्ता पर्व होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा भोक्ता यही आपका रामपालपुर में होता है। जैसा कहीं नहीं होता है, रामपालपुर भोक्ता वाला बहुत अच्छा है सबसे, इस झारखंड में टपा सबसे। हाँ, तो जहाँ तक मैंने सुना है कि अगले साल का रिकॉर्ड था कि 45 काटा सबसे ज्यादा था, तो इतना काटा आप लोग क्यों लेते हैं? 2 काटा से भी चलता है फिर? देखिए, 2 काटा से भी चलता है, ये बात सही बोले आप, लेकिन अपना अपना हुनर होता है, कि लगवाने का शौक होता है कि हम इतना उगाएं, ताकि पता चले कि रामपालपुर के भोक्ता को इतना कील उगाए हैं। अच्छा, और एक चीज बताइए, तो अभी कुछ बाबा भोला का दुआ, पार्वती माई का दुआ के नाम से उगाते हैं, अगर किसी आदमी के सुई कांटा घुस जाता है तो उसमें दर्द होता है। यस, बोलते कि नहीं, माँ पार्वती हर महादेव के दुआ से इतना कील उगा लेते हैं, बस कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ दुआ है महादेव का। बोलो बोलो महादेव के, बोलो पार्वती माई के। हाँ, तो और एक चीज बताइएगा, ठीक है, इस बार इतना ही, मिलते हैं सीधे आप डायरेक्ट मेला में, तो बोलिए एक बार, दया करो दया मही है। चलिए साथी, इस बार इतना ही, मिलते हैं अब डायरेक्ट मेला में। और मतलब ऐसे तो मैं व्लॉग बनाता हूँ, मतलब एज अ रिपोर्टर मैंने इनके पास यार काफ़ी ऐसे बातें पूछा, वो भी हमसे जवाब दिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता दो मेरे को, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जवाहर।